नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि भारत में किस तरीके से कुछ कोर्सेज को बहुत सर पे चढ़ा के रखा गया है। चलिए हम बात करेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और साथ ही आपका यूपीएससी एग्ज़ाम, इन तीनों को। हालांकि इंजीनियरिंग की डिमांड काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी स्थिति ख़राब है। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल के बारे में। अब आईटी के प्रोफेसरों की बात को मैं क्यों उठा रहा हूँ, 2011 के इंटरव्यू में एक आईटी के प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि तुम मास्टर नहीं कर सकते, और आज मैं मास्टर कर चुका हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल के मैथमेटिकल मॉडल में। कोई पर्टिकुलरली कोई अपोज नहीं है, विरोध नहीं है, वो उनकी राय है, लेकिन उनकी बातों को इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है, मीडिया इतना हाइक करता है कि वो मॉडल बोलता है कि कब पीक आएगा और कब नीचे जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पर्टिकुलरली लाइफ साइंस के लोग भी बैठे हुए हैं, अमेरिका हो गया या डेवलप कंट्री हो गया, जहाँ पर इंजीनियर हो गया डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों की भी है। लाइफ साइंस के लोग भी हैं जो आपका वायरस से रिलेटेड वायरोलॉजी की स्टडी करते हैं, किस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है, अपना बिहेवियर शो करता है। कोई 10 साल पहले ये नहीं बताया था कि इस तरीके से कोरोना वायरस आएगा और एक तरीके से एक पैंडमिक की तरह सब जगह फैल जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलना, ये थोड़ी गलत बात मुझे लगती है। ये काम आपका वायरोलॉजी वालों का है, लाइफ साइंस वालों का है, उनको स्टडी करने दीजिए। आप अपने मैथमेटिकल में डेटा पुट करते हैं और जाके बता देते हैं कि पीक अब आएगा, पीक आने के बाद नीचे इस तरीके से डाउन होगा, इतने नंबर ऑफ केसेस आएंगे, जबकि आपको नहीं पता कि हर चीज़ में मैथ्स आप नहीं लगा सकते। लोगों का बिहेवियर, वायरस उस समय किस समय एक्ट कर रहा है, क्या वायरस की इंटेंसिटी या वायरल लोड कितना, ये सब सारे डेटा होते हैं, उस आधार पर सारी चीज़ें चलती है। क्या जो कुछ परसेंटेज वायरस सबके पास आ चुके हैं और उनको पता नहीं चल रहा है, ये भी एक डेटा होता है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या मॉडल में अप्लाई किया, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैथ्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ों के बारे में बता दें और फिर मीडिया में वाहवाही लूटते रहें। मुझे लगा दोस्तों मैं अपने विचार इसमें रखूँ। ये काम आप लोग वायरोलॉजी वालों को, लाइफ साइंस वालों को करने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप आईटी के प्रोफेसर हैं या मैथ्स के प्रोफेसर हैं तो आप हर चीज़ जाने और हर चीज़ करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।